स्वयं पर गर्व होगा। एक ही प्रकार की घटना यदि जीवन में बार बार घटित हो, कोई विशेष व्यक्ति, घटना या स्थान बार बार तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है, ना चाहते हुए भी हर बार उसी स्थान पर पहुंच जाते हो जहां से निकलने के लिए अनेकों प्रयास किए थे, तो समझ लेना यह जीवन का वह अध्याय है जहां से तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख लेनी है। अब तुम्हें बहुत ही ऊंची उड़ान भरनी है मेरे प्रिय। तुम्हें एक ऐसी सीख लेनी है जो तुम्हारे इस जीवन से जुड़ी हुई है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया है, जिस भूल को तुम पूर्व जन्म से करते आ रहे हो, अपितु यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सी सीख है जिसे मुझे स्वीकार करना है, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। मेरे बच्चे, प्रत्येक जीवन का जन्म कुछ सीख ग्रहण करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए होता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारा जीवन रुका हुआ है और एक ही परिस्थितियां बार बार उत्पन्न हो, तो परमात्मा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ उसी को ग्रहण करो। ऐसा करते ही तुम बहुत ही आगे बढ़ जाओगे, इतने आगे जहाँ लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। आज तुम्हें स्वयं पर बहुत ही गर्व होगा। किसी भी देश की सेना करने वाले सैनिक कैसे बनते हैं? उन सैनिक को इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति प्रण करता है उसे देश की सेवा करनी है, उसी वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है, किंतु उसकी इस भावना को मूर्त रूप देने के लिए उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। अनेकों प्रहार से परीक्षाएं ली जाती हैं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से पहले उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तत्पश्चात वह एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान निसार करने वाली सैनिक नहीं बनाए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, इसी प्रकार परमात्मा अपने दिव्य कार्य का संचालन करने के लिए एक दिव्य सेना तैयार करते हैं। उस सेना के सैनिक परमात्मा द्वारा दी गई अनेकों चुनौतियों को पार करके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। यदि परमात्मा उनके समक्ष ऐसी चुनौतियां और समस्या ना उत्पन्न करे, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक परमात्मा के दिव्य सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा? मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर ने
स्वयं चुना है। इस बात पर तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए और हर समस्या को मुस्कुराकर सहना चाहिए। समस्या में ही समाधान छुपा है, इस बात पर विश्वास करते हुए सर्वसाधारण के विषय में सोचना चाहिए। जब कोई चुनौतियां आए तो विश्वास करना चाहिए, यह हमें और अधिक मजबूत बनाने वाली है। स्वयं को बार बार स्मरण कराना चाहिए, हम परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं। यह हमारा प्रतिक्षण कराया जा रहा है। मेरे प्रिय, यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो सच में परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं, और तुम वही दिव्य सैनिक हो। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो समस्त सृष्टि को अंधकार से रोशनी की ओर ले आएगी। तुम्हारे मन में जो भय है उसे आज इसी क्षण त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह दिव्य द्वार खुल रहे हैं जहां तुम पांचवे आयाम में प्रवेश करोगे। तुम दिव्य सैनिक हो, तुम्हारे जीवन में भौतिक उपलब्धियां स्वयं आकर्षित होने लग जाएंगी। छोटी छोटी परिस्थितियों से तुम्हें डर कैसा? स्वयं को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हें बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। यह वह समय है जब तुम्हें निर्णय लेना है। जो सुझाव तुम्हें अंतरात्मा से मिल रहे हैं उनका पालन करना है। स्वयं को निर्मल और हारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम दिव्य सेना हो, एक महान योद्धा हो। मेरे प्रिय, इस समय भी तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा है। जल्दी ही वह समय भी प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक एक वीर योद्धा के भांति चमकोगे। तुम्हारे इस तेज को लोग देखते रह जाएंगे। मेरे प्रिय, सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम्हें स्वयं के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानना है। तो बताओ, क्या तुम परमात्मा के दिव्य सेना में भर्ती होना चाहोगे? क्या तुम परमात्मा के कार्य में संयोग करना चाहोगे? यदि हाँ, तो प्रतिक्षण ग्रहण और सीख लेने की ऊर्जा में रहो, क्योंकि तुम परमात्मा के एक दिव्य सैनिक हो। टाइप यस इफ यू बिलीव। डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।